वेलकम टू माय चैनल टीसीडी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मेरे घर में बनने वाली, ना मैं रेस्टोरेंट वाली बता रही और ना मैं शादियों वाली, जो मेरे घर में बनती है इमली की चटनी, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत आसान है और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं डलता है, जो घर के में सामान होते हैं उसी से हम चटनी बना लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो मैं घर में बना रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो इसके लिए मैंने ये ना 250 से 300 ग्राम के करीब होंगी ये इमली है, उसको मैंने भिगा के रख दिया था एक दो घंटे बोले, तो अच्छी तरह से भीग गई है। अब क्या करना है, एक पैन लेना है, कोई से भी पैन लेना है जिसमें आपको बनाना हो। सिर्फ एल्यूमिनियम का पैन ना लें, आप स्टील का ले लें या इस टाइप का कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें। और इसे छलनी छालने वाली है वो ले लें, और ये जो इमली है ना इसको अच्छी तरह से मसलना है, इसको सारी इमली को मसलना है। इमली को अच्छे से मैंने मसल लिया है, ये देखिए सारे उसके बीज जो है सारे निकल गए हैं। आप चाहें तो जो बगा बीज वाली होती है वो भी ले सकते हैं, पर ये थी तो मैंने इसकी ये बना ली। और इसका जो छलनी इमली थी ना इसके अंदर हम ये डाल देंगे। तो इस तरह से दबा दबा के इसका हमें सारा भूजा निकालना है, इमली का पूरा पल्प जो है ना इमली का सारा अच्छे से निकाल लेंगे हम, ताकि इसमें जो कुछ ना वेस्ट नहीं जाए ठीके में। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के सारा पल्प जो है उसमें निकाल लेंगे, सारा इमली का पल्प जो है सब निकाल लिया है। हम इसको गैस पर रख देते हैं और गैस के चूल्हे में हम फ्राई कर रखेंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, आधा चम्मच में इसमें डालूंगी काला वाला नमक, काला नमक जो आता है, और थोड़ा सा एक से दो चुटकी नॉर्मल वाला नमक हम डालेंगे, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा आधे से आधा चम्मच इस समय इसमें डाल देंगे, इसमें लाल मिर्च, इसको मसालाना है। देखिए गुड़ ही कम से कम 300 ग्राम के करीब है, 300-350 ग्राम के करीब गुड़, मतलब जितनी जो हमने इमली ली थी ना उससे डबल से भी ज्यादा जो है ना गुड़ है। आप ध्यान रखें इमली जो है उससे हमें डबल से भी ज्यादा जो है गुड़ रखना है। इसमें डाल देंगे, इसको मैंने कूट लिया है गुड़ को, देखिए गुड़ हमारा जो है सारा मेल्ट हो गया है। इसको सिम आंच पर, अभी तक मैंने इसकी फ्लेम जो थी ना हाई रखी थी, अब हम इसको सिम की फ्लेम जो है गैस की हम सिम कर देंगे और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हमारी जो चटनी है इमली की वो रेडी है। देखिए आप लोग को भी इसको ट्राई करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और इसको आप जितना चाहें उतने दिन तक महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसको आप ठंडा करके और कांच के जार में भर कर फ्रिज में रखें तो उससे ये ना ख़राब नहीं होगी, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में तो ईजी है ही। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।